Hey there, this is Chauhan from Bonsai Hunter. Welcome back to my channel. In the workshop today, we have got the update of multiple grafting on adeniums. तो छः में से चार के ऊपर बहुत जल्दी रिजल्ट आया है दोस्तों. अडेनियम की मल्टीपल ग्राफ्टिंग के बारे में डिटेल में जानने से पहले हम आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं. हमें ब्रजेश कुमार जी नोएडा से एक पार्सल मिला है जिसमें उन्होंने हमें कुछ सीड्स भेजे हैं. अडेनियम के सीड्स ये इम्पोर्टेड वेराइटी के सीड्स हैं. सोमालियाज जाइंट, याक सऊदी, MK और भी कई प्रकार के सीड्स इनके पास अवेलेबल हैं जो इन्होंने थाईलैंड से इंपोर्ट किए हैं. ये सभी रेयर वेराइटीज़ के अडेनियम्स के प्लांट्स के सीड्स हैं. अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो ब्रजेश कुमार जी हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट के ऊपर मिनिमम प्राइस के अंदर ये सीड्स आपको अवेलेबल कराएंगे. इनके कॉन्टैक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं. दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने हमारे इस अडेनियम के ऊपर मल्टीपल ग्राफ्टिंग करी थी और उसके अंदर हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं. हमने यहाँ पे 6 ब्रांचेस ग्राफ्ट करी थी, डिफरेंट कलर्स के अडेनियम्स की 6 ब्रांचेस यहाँ पे हमने ग्राफ्ट करी थी. उसके अंदर से एक डेड हुई है और एक थोड़ी सी नरम है और बाकी 4 के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से स्प्राउटिंग हुई है. तो आइए एक क्लोजअप से इसे देखते हैं. ये जो ब्रांच आप देख पा रहे हैं इसके अंदर स्प्राउटिंग हो रही है. इस ब्रांच के अंदर भी स्प्राउटिंग हुई है काफ़ी अच्छी और इसके अंदर भी स्प्राउटिंग हुई है. और जो पीछे से जो ब्रांच आ रही है उसके अंदर भी स्प्राउटिंग हो रही है. तो लगभग हमारी जो ग्राफ्टिंग हुई है उसके अंदर हमें सक्सेस मिला है. रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है. इसमें एक ब्रांच डेड भी हुई है और एक ब्रांच अभी थोड़ी नरम है, इसमें स्प्राउटिंग नहीं हुई है. तो 6 में से 4 के ऊपर बहुत जल्दी रिज़ल्ट आया है. तो फ्रेंड्स ये था हमारा अपडेट. दोस्तों अगर आप मल्टीपल ग्राफ्टिंग की टेक्निक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका पार्ट 1 देखना ना भूलें. लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल बी बैक विद सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन बॉन्साई एंड गार्डनिंग. टिल देन गुड बाय.